हेलो फ्रेंड्स, आई एम एचएल गुप्ता। माय लाइव क्लास इज गोइंग ऑन। मेरी लाइव क्लास सुबह 7 बजे चलता है, जिसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मैं करा रहा हूँ, और रात को 8:30 बजे जिसमें बॉन्ड वैल्यूएशन करा रहा हूँ। मेरी एचएल गुप्ता क्लासेस की ऐप पे ये क्लासेस होती है, जिसमें लाइव आपको बात कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं। लाइव में आप जैसे फ़ोन पे डिस्कस किया जाता है, पूछा जाता है, उसे आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। जस्ट इसकी प्राइसेस 999 है। मैं सुबह बॉन्ड वैल्यूएशन, सुबह जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की क्लासेस थी, उसमें मैंने रिस्क एंड रिटर्न पे, जो आपके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, उस पर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था। और आपको शाम को 8:30 बजे मैं बॉन्ड वैल्यूएशन कराया था, और बॉन्ड वैल्यूएशन में क्या क्या क्वेश्चन कराया था उसका मैं आपको बता रहा हूँ। बॉन्ड वैल्यूएशन में मैंने आपको कराया था, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आज सेकेंड क्लास है। ये पहली क्लास में मैंने कराया था। सेकेंड क्लास में मैंने कहा था कि अगर किसी बॉन्ड का फेस वैल्यू 1000 रुपीज़ है, कूपन रेट 10% है, मैच्योरिटी पीरियड 3 ईयर्स है, रिडीमेबल एट पार, तो अगर डिजायर रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न 8% है, तो उसका रिटर्न बॉन्ड की वैल्यू क्या होगा? 10% है तो बॉन्ड की वैल्यू क्या होगा? 12% है तो बॉन्ड की वैल्यू क्या होगा? ये सारे लिखा गया है, और उसको मैंने वैल्यू भी निकाली गई है, वैल्यू के साथ साथ उसकी इंटरप्रिटेशन भी हुआ है, आपको इंटरप्रिटेशन भी हुआ है, और साथ साथ अब आपके पास मैंने इंटरप्रेट भी किया हुआ है। दूसरी बात है, दूसरा क्वेश्चन मैंने कहा था, दूसरा एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर किसी बॉन्ड का फेस वैल्यू 1000 है, कूपन रेट 10% है, डिजायर रेट ऑफ रिटर्न आपको 14% है, मैच्योरिटी पीरियड 3 ईयर्स है, तो सबसे पहले बॉन्ड की वैल्यू निकालनी है। बॉन्ड की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है उसको बताना है। उसके साथ साथ हमें प्रूफ करके बताना है कि अगर इन्वेस्टर बॉन्ड का उस प्राइस पे परचेज करता है, तो उसको क्या एक्सपेक्टेशन रिटर्न होगा। तो मैंने यहाँ पे बॉन्ड की वैल्यू निकाली है, यहाँ पे बॉन्ड का वैल्यू भी यहाँ पे निकला हुआ है, ये बॉन्ड का वैल्यू आ गया। उसके बाद हमने उसको इंटरप्रिटेशन भी किया, बॉन्ड की वैल्यू का क्या मतलब होता है। साथ साथ मैंने प्रूफ भी किया कि अगर बॉन्ड होल्डर इस प्राइस पे परचेज करता है, तो उसकी डिजायर रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न रिकवर होगा, और लास्ट में उसका जीरो बचेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।